हरे कृष्णा वेलकम ऑल ऑफ यू गीतामृत बिंदु आज हम गीता गीतामृत बिंदु के सेशन में आपको स्वागत करते हैं आज हम पांचवें अध्याय के तेईसवा श्लोक तेईस से छब्बीस अभी प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare everybody hare krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.

ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदे <coughs> ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानान्जनशलाकाय चक्षुगमनमीलतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो ओम भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे <coughs> <coughs> जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे <coughs> आज हम लोग ये चार श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे शीर्षक इस प्रकार है एक आत्मसक्षात्ी पुरुष के अंदर और बाह्य लक्षण क्या क्या है तो इसके पिछले सेक्शन में आप लोगों ने सुना यही संस्पर्श जा भोगा दुख यौने एवते आद्य कौनते बुधा। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया के क्षणभंगुर इंद्र तर्पण के पीछे नहीं पड़ता मैं एक उदाहरण दिया था आप लोगों को शायद याद होगा अगर एक चॉकलेट में दिखाऊं और हज़ार रुपया का नोट दिखाऊं बच्चे किसको चुनेगा चॉकलेट को चुनेगा, को चुनेगा? <cuss kiss> बुद्धिमान लोग हज़ार रुपये के नोट को चुनेंगे क्यों क्योंकि हज़ार रुपये के नोट में एक हज़ार चॉकलेट है इसी तरह संस्कृत में दो शब्द हैं प्रेयस श्रेयस प्रेयस का मतलब है क्षणभंगुर इंद्रिय तर्पण प्रेयस श्रेयस का मतलब है जो परम पुरुष को प्राप्त करना भगवान के धाम को प्राप्त करना मोक्ष प्राप्त करना इस भौतिक दुनिया के जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि से ऊपर उठ जाना येयचान निश्चितम ब्रूहितन में ऐसे बताता है अर्जुन आप मुझे बताइए श्रेय क्या है मेरे लिए लेकिन कभी कभी इंसान जानता भी है मेरे लिए श्रेय क्या है अच्छा क्या है फिर भी क्षणभंगुर छोटे छोटे भौतिक इच्छाओं के पीछे भागता है इंसान मूर्खता के कारण जैसे बच्चे जानते हैं परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए उन्हें तो मार्क नहीं मिलेगा फिर भी खेल कूद के कूद में रहते हैं खेल कूद को छोड़ नहीं पाते हैं परीक्षा के एक दिन पहले तक पढ़ने पढ़ने के लिए मन नहीं करता तो इस तरह हम देख सकते हैं इस दुनिया में जिस तरह बच्चे कूद में समय बिताते हैं इस तरह बायस बढ़ने के बाद भी इंसान विविध इस दुनिया के इंद्रित्पण के पीछे पड़े रहता है भाग दौड़ करता है इसलिए उधर बताया गया है नतीश्वर मते बुधा अगर कोई एकदम गंभीर हो कि इस दुनिया में बार बार हम जन्म मृत्यु जरा व्यादि का चक्र नहीं काटना चाहते हैं हम एक आदर्श जीवन जिएंगे अभी भगवान के दिए हुए विद्वानों को पालन करते हुए भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं कि सब छोड़कर तुम जंगल में जंगल में जाओ तुम माता पिता बीवी बच्चे इनके साथ रहते समय भी गीता भागवती इत्यादि का अध्ययन कोई कर सकता है भगवान का नाम ले सकता है विधि विधानों के अनुसार वो चला सकता है शास्त्र के अनुसार जीवन चला सकता है इसके लिए इंसान को भगवान के ऊपर श्रद्धा भी चाहिए शरा शास्त्रों के ऊपर भी और उसको अभ्यास को पालन करने के लिए नियमित रूप से रोज उसका अभ्यास होना चाहिए तो अभी आ, आगे बताएंगे इसके बारे में भगवान कि अगर कोई जानता हो कि इंद्रिय तर्पण दुख देता है इंद्रियों के मांगों को इंसान पूर्ति कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि इंद्रिय इंद्रियों को तुष्टि कर, तुष्ट करने के लिए उपाय ढूंढना किसके समान है आग में पेट्रोल भरने के समान है ऐसे बताया गया दुष्पू ना अनल अच्छा इसलिए उपाय क्या है इधर भगवान बताएंगे अभी इस लोग में पढ़ेंगे हम फाइव ट्वेंटी थ्री शक्नोती होडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव बेगम सयुक्त सुखी नरह। इधर भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक इंसान जो परम पद को प्राप्त करना चाहता है शक्नोती हूड़म प्राक्षरीर विमोक्षणात् अंतिम सांस लेने के समय तक वो अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना चाहिए और निषिद्ध कार्यों में नहीं लगाना चाहिए उनको खास करके काम क्रोध उद्भव वेगम काम का वेग वा काम वासना का वेग क्रोध का वेग इत्यादि को जो नियंत्रण करता हो वो इस दुनिया में भी सुखी रहेगा वो और मृत्यु के बाद वो भगवान को प्राप्त कर सकता हो जैसे पिक्चर में देखें जैसे एक चुंबक आकर्षित करता है आकर्षित करता है इसी तरह ही एक व्यक्ति काम से आकर्षित होता है जब तक ये शरीर है दोनों शरीर में एक ही समान जीव है स्त्री का शरीर हो पुरुष का शरीर हो कुत्ते का शरीर हो पेड़ का शरीर हो सब आ, सब योनियों में जीव एक समान है फिर भी इंसान शारीरिक चेतना के कारण शरीर से पहचानने के कारण सोचता है कि ये मैं पुरुष हूँ वो स्त्री है अभी पुरुष स्त्री दोनों के शरीर में महाभूत है, है कि नहीं हैं और दोनों को जन्म प्राप्त हुआ दोनों का हैं दोनों सोते हैं दोनों आ, इस दुनिया में दोनों का शरीर मन मिटता है उसमें कुछ फ़र्क नहीं है आत्मा भी गुणात्मक रूप से एक है हा? लेकिन क्यों इस तरह इंसान आकर्षित तो होता है ये मोह के कारण वासनाओं के कारण काम क्रोधोद्भवम बेगम ऐसे बताते हैं देखिए आदिकाल में भगवान एक तत्व भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं राधा कृष्ण के रूप में और राधा और कृष्ण के बीच में दिव्य प्रेम है जिसको सोना के साथ उन्होंने किया है लेकिन इस दुनिया में उसका विकृत प्रतिबिंब जो स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है ऐसे रूप में परिवर्तित होता है जिसको लोहे से तुलना किया है आत्मेंद्री या प्रीति वांचाता रे बाली काम कृष्ण इंद्रिय या प्रीति ये प्रेम नाम अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जीव जब प्रयत्न करता है उसको काम बोलते हैं पुरुष हो स्त्री हो स्त्री सोचे कि इस पुरुष के पास कितना पैसा है ये पुरुष सोचा है स्त्री कैसे मुझे भोग देगी तो इस दुनिया में इस तरह की सब पुरुष स्त्री ही नहीं सब योनि में कुत्ते हो बिल्ली हो Uh, कॉकरोच हो मेंढक हो कोई भी पंछी भी हो क्यों ना हो सब में इस तरह का आकर्षण है तो आप पूछेंगे इसमें गलती क्या है आकर्षण हो तो उसको आकर्षण को तृप्त करना चाहिए यह कभी तृप्त होने वाली चीज़ नहीं है फिर भी इसको नियंत्रण करने के लिए विवाह रखा है विवाह यज्ञ विवाह यज्ञ करके बच्चे पैदा करके उसके बाद बच्चों को बड़े करने में ध्यान देना साथ साथ बच्चों को संस्कारी जीवन प्रदान करना खुद भी भगवान के भक्ति में जुड़ना इस तरह करके इंसान धीरे धीरे इसको भूल जाएगा और शरीर भी सूख जाएगा शरीर सूखने के बाद वाया से गाते का, काम अभी कार बताते हैं वायस बढ़ गया शरीर सूख गया तो काम विकार क्या करेगा धीरे धीरे इंसान से उछ जाएगा वो, वो भी फिर भी इंसान को इन, इस तरह के आकर्षण से ऊपर उठना चाहिए और दूसरा बड़ा आकर्षण है काने का इधर देखिए पिक्चर में कितना ओबेसिटी हुआ उसको स्ट्रेचर में लेके जा रहे हैं अस्पताल में जाते जाते भी कार है कोई जंग छोड़ नहीं पा रहा है वो इस तरह प्रॉपर तो जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई मरीज व्यक्ति हो डॉक्टर ने उसको बोला है कि तुम कुछ भी सॉलिड फूड मत खाओ इस तरह भोजन मत खाओ सिर्फ सूप पियो वेजिटेबल सूप फिर भी छोड़ नहीं पाता हो क्योंकि डॉक्टर ने बोला करके कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति कहा करेगा डॉक्टर ने जो बोला उसका मानूंगा नहीं तो मर जाऊंगा मैं है ना इसलिए कुछ लोग ओबेसिटी होकर आ, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अनकंट्रोलेबली ऐसे अनियंत्रित न्या, तो होकर का, का कर मरेंगे वो है? इसलिए बताया है इधर डॉक्टर की बात मानने मानकर चलना चाहिए इसी तरह भगवान बताते हैं काम क्रोध के वेग जो है उसको निषिद्ध दिशा में मत चलाओ हु? उसको नियंत्रण करो ऐसे बताते हैं इधर रिश्वत देवी वही उपदेश देते हैं अपने पुत्रों को <coughs> ये पुत्रों कुत्ते बिल्ली सब जानवर प्रा इसी चीज़ को कर रहे हैं वो हैं खाना पीना सोना मैं तुम करना आप लोग इसे ऊपर उठ जाओ मनुष्य देह मिला है आपको मनुष्य देह में आपको इस तरह का कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए तो उनके पुत्रों ने पूछा कि अगर ये कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए हमको हा? वो बोले कि थपो दिव्यम दिव्य तपस्या करो ठीक है अगर हम भगवान के लिए तपस्या करेंगे इधर दिखाया गया है उसे क्या प्राप्त होगा हमको बताते हैं शुद्धिये सत्वम बताते है? हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धिये तस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम दो चीज़ बताते हैं आपका चित्त शुद्ध होगा भगवान की भक्ति से दूसरा हाँ आपको ब्रह्म सौख्य प्राप्त होगा ब्रह्म सौख्य मतलब है अनंत सुख उसका अनुभव इस दुनिया में भी कर पाओगे आप देखिए इंद्रिय तर्पण करने से इंसान दुखित हो जाता है इंद्रियों को तर्पण ना देकर भगवत भक्ति में जोड़ने वाला उसको असली सुख प्राप्त होता है और वो सुख नहीं आनंद है वो ऐसे बताते हैं और उस आनंद का के लिए कुछ भी रुकावट नहीं है जितना भक्ति बढ़ेगा उतना आनंद का परवश भी बढ़ता जाएगा ऐसे बताते हैं और यही उदाहरण देते हैं कि अगर किसी को मरीज हो बुखार हो तीन दिन के लिए दवाई ले रहा हो तो उस अवस्था में उसको भोग नहीं करना चाहिए उसको ऐसे बताते हैं तो इसलिए बताते हैं कि इस दुनिया में अगर तंदुरुस्त भी कोई हो जाए कितना भोग कर पाएगा वो लेकिन आध्यात्मिक आनंद जो है उसके अंत ही नहीं है अनंतम ऐसे बताया गया है इसलिए अभी हम भौतिक दुनिया में हमारी अवस्था मरीज अवस्था है भगवत धाम है हमारा अवस्था स्वस्थ अवस्था है स्वा, स्वास्थ्य का मतलब क्या है हम अपने सही स्थिति में हम स्थित हैं स्वास्थ्य ऐसे बोलते हैं उसको जैसे इधर एक बच्ची जब वो है वो खेल नहीं पाएगी कूद नहीं पाएगी कह नहीं पाएगी वो कुछ है। थर्मोमीटर पकड़ कर बैठी है लेकिन तंदुरुस्त होने के बाद कूद सकती है नाच सकती है, गा सकती है इस तरह हम भी लोग इस दुनिया में मरीज अवस्था में विषय भोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए विषयभोगों को नियम नियमित रूप से जो भगवान ने अनुमति दिया है उतना ही पाना चाहिए नहीं तो हम पागल हो जाएंगे इसके बदले अगर हम इंद्रियों को निग्रह करके भगवान की सेवा में जुड़ने से धीरे धीरे हमारे अंदर जो व्याधि जो है निकल जाता है प्रदूषण निकल जाता है हृदय से चित्त शुद्ध होने के बाद उस समय असले आनंद को हम प्राप्त करेंगे वही पॉइंट है इधर डायबिटीज वाले को बताया गया है शुगर मत खाओ चॉकलेट मत खाओ हो मत खाओ उसका लगता है कि क्यों इस तरह का पाबंदियाँ डाले गए है। है। हैं ऐसे सोचता है प्रपंच वही बोलते हैं उनके लेक्चर में हम अपने शरीर छोड़ने समय तक जो हमारे लिए वर्जित कार्य हैं करना, जुआ खेलना अवैध संग नशा इत्यादि थि, उसको त्याग देना चाहिए जिस तरह एक डॉक्टर की बात मानकर इंसान फॉलो करेगा उसी तरह अगर हम भी भगवान हमारे डॉक्टर हैं गुरु हमारे डॉक्टर हैं उनकी बात मानेंगे तो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं और आत्मा की तुष्टि में हम खुश रहेंगे और शरीर की जो मांगे हैं अनावश्यक मांगे गलत मांगें वो निकल जाएंगे जैसे उदाहरण देते हैं प्रोपा जी सिगरेट पिए बिना कोई मरेगा क्या नहीं अगर दाने नहीं खाएगा गेहूं चावल तब मरेगा इंसान लेकिन कुछ कुछ लोग सिगरेट के इतने गुलाम बन जाते हैं बोलते हैं अरे सिगरेट के बिना हम मर जाएंगे अरे मरेगा नहीं तो इस तरह हम शरीर के लिए जो गलत मांगे हैं जैसे मांस ना जुआ के नावै संग नशा इत्यादि उन मांगों के बिना हम मरेंगे नहीं उन मांगों के बिना हम ऊपर उठेंगे इसलिए हम लोग जो गलत मांगे हैं शरीर के उनको त्यागना ही चाहिए और योगी लोग इसको त्यागने के लिए क्या क्या तपस्या करते हैं इधर देखिए पंचाग्नि करके अग्नि को डालते हैं अपने इंद्रियों को निग्रह करने के लिए और ठंडी मौसम में गंगोत्री में जाकर ठंडे पानी में बर्फ को तोड़कर अंदर घुसकर इस तरह का योगिक यौगिक यो, अनुष्ठानों को करते हैं अभी वक्तों को ये सब नहीं करना है हम वक्तों को बहुत सरल मार्ग है हमारा प्रभु जी बोलें कमरे के अंदर ही तुम नाच सकते हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आज उनके रथ यात्रा है हम लोग दिन में रथ यात्रा किए थे आज हैदराबाद में तो धूमधाम से तीन चार घंटे का बहुत बढ़िया कीर्तन हुआ सड़क में अगर अब कोरोना के लिए बाहर भी आपके लिए अनुमति नहीं हो घर के अंदर ही कर सकते हैं जी बोलते हैं जगन्नाथ बल सुभद्रा का कीर्तन करो नाचो प्रसाद पाओ गीता पढ़ो बस सरल मार्ग है इसमें क्या तकलीफ है ऐसे पूछते हैं इस सर करते करते आपकी सब इंद्रियां आसानी से निग्रह इंद्रिय निग्रह प्राप्त हो जाएगा आपको तो चैतन महाप्रभु एक सरल उपाय देते हैं कलयुग के वासियों के लिए बताते हैं कि कलयुग में आपको एक ही चीज़ करना है नाम का उच्चारण करना है उसको ध्यानपूर्वक सुनना है ऐसे एक श्लोक अक्सर वो बोलते थे हरे नाम हरे नाम हरे नाम, नाम केवलम कलो नास्त्यस्त्यवनाव गतिरन्यता कलयुग में हर नाम को छोड़कर नाम को छोड़कर दूसरा कुछ उपाय नहीं है तीन बार बताया गया है कर्म से नहीं ज्ञान से नहीं योग से नहीं सिर्फ भक्ति से नाम लेने से हुँ। तो ये इस को अक्सर कोट करते थे महाप्रभु वो खुद ही जब क्या उन्होंने रोज बारह बजे तक करते थे जयपे ऐसे सारे दुनिया को उन्होंने हरिनाम को वितरण किया <coughs> इसके द्वारा हरिणाम करके हरिदास ठाकुर ने अपने इंद्रियों को नियंत्रण किया इस अम्बरीश ने भगवान की भक्ति को अपना कर अपने क्रोध को नियंत्रण किया दुर्वाशमनी क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाए बड़े योगी थे फिर तो भी नहीं कर पाए लेकिन अम्बरीश अपने क्रोध को नियंत्रण कर दिया कुछ प्रतिरोध नहीं लिया तो शीतल स्वामी बताते हैं कि अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना हो सिर्फ क्रोध और काम को सिर्फ नियंत्रण इस दुनिया में नियंत्रण करने से नहीं होता है इसको पूर्ण रूपेण मिटाना पड़ेगा इसको बताते हैं वो बताते हैं कि इधर प्रभपति के तात्पर्य बताते हैं प्रपद जी वाचो वेगम मनसे वेगम क्रोध वेगम जिग्वा वेगम उदर वेगम पस् वेगम जो उपदेश अमृत के पहले स्टोक से कोड करते हैं इसको जिन्होंने नियंत्रण कर लिया है वो उनको गोस्वामी बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई अनियंत्रित भौतिक इच्छाएं होता है उसके मन में जैसे ऊपर पिक्चर में देखे उसको करोड़ों रुपया चाहिए उसको इस तरह अनियंत्रित इच्छा होता है नहीं तो क्रोध के वश में आकर ये पेंसिल तोड़ रहा है इधर इस तरह किसी के अंदर इतना क्रोध इतना लोभ आ जाता है उसके कारण आंखें आंखें लाल ला, लाल लाल हो जाते हैं उसके हैं और जोर से वो बहुत श्वास लेता है इसे है? तो इस तरह के इसको बोलते हैं काम क्रोध क्रोधोद्भवम वेगम ये वेग जो है इसका मतलब इसका और एक भौतिक शरीर प्राप्त होने वाला है उसको है? इसलिए हम लोग ऐसे गुण सीखना चाहिए नम्रता सहिष्णुता और माफ़ कर देने की आदत क्षमारूपम तपस्वीना इत्यादि करने के लिए नाम जपना चाहिए हम धैर्य के साथ नाम जपते रहेंगे अच्छे अच्छे गुण आ जाएंगे उसके द्वारा हम्म तो कब तक हमें इसको नियंत्रण करना है अभी अंतिम सांस तक ऐसे बताया गया है इतना ही नहीं सिर्फ को नियंत्रण ही करना है हमें आत्मा का आनंद को भी अनुभव करना है ऐसे बताते हैं श्रीपद रामाचार्य बताते हैं अगर एक इंसान इन काम और क्रोध को नियंत्रण कर दिया है और ऐसे व्यक्ति करने के बाद ही आत्मा की असली आनंद का अनुभव कर पाता है वो वो बताते हैं कि कभी कभी पूरा जीवन इनको नियंत्रण करने के बाद शरीर छोड़ने के बाद उसको आत्मा का आनंद प्राप्त होता है लेकिन उसको अटूट विश्वास होना चाहिए शास्त्रों के बात पर कुछ कुछ लोग मृत्यु के बहुत पहले से इन इन चीज़ों को जीत जीत लेते हैं जिसके कारण आनंद का अनुभव करते हैं कुछ कुछ लोग अंतिम सांस तक ये संग्राम में पड़े रहते हैं लेकिन मृत्यु के बाद इनको आनंद मिलेगा लेकिन बताते हैं कि शरीर मोक्षणोत्तर कालम आत्मानुभाव आत्म अनुभव आत्मानुभाव आत्मानु सुख संपत सत्य बोलते हैं कि इनको नियंत्रण करने में हमें जोर लगाना चाहिए हा? इनको ऐसा आजकल हम देखते हैं कि लोगों को क्रोध होता है तो बोलते हैं कि चिल्लाओ जितना चिल्लाना है चिल्ला हो ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है हम हाँ चिल्लाएंगे तो क्रोध और बढ़ जाएगा हाँ? कम नहीं होने वाला है हो। काम भी ऐसे कुछ लोग सोचते हैं अरे जितना काम है उसको पूर्ति कर लो वो निकल जाएगा खत्म हो जाएगा बोलते हैं खत्म नहीं होता वो पेट्रोल को आग में डालने के बराबर है भगवान ने बताया था दुष्पुरना अनिलना चाहे इसलिए हम शास्त्रों को मानना चाहिए साधारण हाँ? कोई भी कुछ भी बनावटी चीज़ें बताते हैं लोग इसलिए हम शास्त्रों को मानना चाहिए शास्त्र बताते हैं कि इनको निकालने के लिए तरीका है हरिणाम लो चित्त को शुद्ध करो नहीं तो यानी लोग ध्यान करके निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी कुछ वासनाएं रह जाते हैं योगियों के मन में भी यानियों के मन में भी लेकिन भक्त जब नाम लेता है वो पूर्ण रूपेण इन चीज़ों से ऊपर उठ सकता है इधर एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं श्रीधर स्वामी अगर किसी का शरीर छूट गया आत्मा छूट गया एक शरीर से वो मृत मृत शरीर के साथ वो पड़ा है आप देख सकते हैं कि उसके बाद उसकी पत्नी रो रही है इधर जोर से ऐसे बच्चे रोएंगे ऐसे और बच्चे लोग उसके बेटे उसके आग लगाएंगे वो चित्ता को है ना वो कुछ नहीं करता वो मृत शरीर हा? इस तरह से ज़िंदा रहते समय इस तरह रहना चाहिए ऐसे बताते हैं <laughs> मृत्यु के बाद अभी पत्नी रोएगी बेटा आग देगा चित्ता में तब कुछ नहीं करता ना इंसान उतना सहिष्णुता जिंदा होते समय होनी चाहिए ऐसे बताते हैं उसका मतलब ऐसे व्यक्ति जीत लिया है काम क्रोध को ऐसे बताते हैं यद्वा मरणादर्ध बताते हैं विलपंतीुवती युवती युवती भीरालिंग्य मानोपि अभी बीबी भी भी उसके शरीर को आलिंग करते ही रोती है ऐसे पुत्रादि भीदह्यम अभी यथा प्राणशून्य काम क्रोधोद्वेग सहते अगर प्राणशून्य हो गया कि शरीर वो सहन कर लेता है उसको तथा मरणा प्रागपि जीवन नेव यह सहेत सएव युक्त सुखी चैतन्य तो मतलब वही व्यक्ति माना जा सकता है कि उसने सहन कर लिया है इस तरह की चीज़ों को वशिष्ठ भी वही बताते हैं तदुक्तम हाँ है ना प्राणे गते यथा देह सुखम दुखम न विंदतीस तो मतलब शरीर गुजरने के आत्मा गुजरने के बाद शरीर में काम क्रोध का नहीं होता उस तरह जिंदा रहते समय रहना चाहिए इंसान को वही बताते हैं वो भी <laughs> अभी वो कैसे हो सकता है सिर्फ आ, इनको दबा कर रखने से नहीं होता है वो कैसे होता है इस इस्लोक में बताने वाले हैं कैसे हम काम क्रोध इत्यादि को हम जीत सकते हैं तो कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि हम बाहरी कार्यों को दुनिया के साथ संपर्क करना छोड़ दे दुनिया के साथ आदान प्रदान करने से ही हमारा समस्या होता है जंगल में चले जा करके कुछ, कुछ लोग सोचते हैं लेकिन सिर्फ इस दुनिया को चागने से हम इनसे ऊपर उठ नहीं पाएंगे भागवत में ब्रह्मा जी बताते हैं प्रेम व्रत को अरे तुम शहर छोड़कर जंगल में जाओगे तुम्हारे छह पत्नियां साथ में आएंगे तुम्हारे साथ ऐसे <laughs> बताते हैं कौन है पांच इंद्रिय और एक मन वो, वो तुमको छोड़ने वाले नहीं है इसलिए अभी देखेंगे कैसे ये छूटेगा योत सुकोतरा राम तथात सयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधि गच्छति बताते हैं इधर अंत सुखम प्रभाज बताते हैं कि इधर कैसे पता है कि इधर यो सुखम अंतर आराम तथा ज्योति तीन चीज बताया गया है एक व्यक्ति अपने हृदय के अंदर परम आनंद का अनुभव कर रहा है आध्यात्मिक संपर्क से इधर देखिए योगी जो ध्यान आवश्यक तदगत एन मन था हम योगिनों भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हुए योगी परमानंद का अनुभव करता है <coughs> और भक्त भगवान के नवविदा भक्ति करके हरिनाम लेकर कथा श्रवण करके भगवान की लीला कथा में परमानंद लेता हो <coughs> उन लोगों को अंत सुख मिल रहा है अंतर आराम मिल रहा है आराम का मतलब क्या है देखिए अगर पहले आपको भूख था आप इधर उधर भागेंगे दौड़ेंगे पूछेंगे कुछ खाने के लिए है क्या लेकिन खाना हो गया तो आराम करेंगे आप है कि नहीं इस तरह के व्यक्ति के अंदर ये तृष्णा चला जाता है सुख अनुभव करता है ही अंदर, अंदर और ज्योति मतलब है उसको एक दिव्य ज्ञान भी जग जाता है ऐसे को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लिया है वो प्रभाजी बोझे इसका प्रूफ क्या है कैसे निरूपण है इसका बताते हैं कि अगर कोई बुका देखते हैं वो कान का समय क्या होता तीन है तीन चीज होता है जिह्वा में स्वाद प्राप्त होता है पेट में तृप्ति प्राप्त होता है और शरीर में शक्ति प्राप्त होता है इसी तरह इधर देखिए कहने के बाद मुस्कुरा रहा है वो पहले बहुत आतुरता भी मुस्कुरा हो गया उसका तृप्त है अभी तृप्त हो बवती आनंदी बहुवती तुष्ट हो बवती करके नारद भक्ति सूत्र में नारद बताते हैं किसी को भक्ति प्राप्त हो गया उसको रुचि भी मिल रहा है नाम लेने में कथा श्रवण करने में साथ साथ उसको तृप्ति भी मिल रहा है उसका मतलब तृष्णा चला जाता है हाँ, स्त्री स्त्री पुरुष के आकर्षण के लिए सिनेमा देखने के लिए ताश खेलने के लिए पैसा के पीछे पड़ने के लिए वो तृष्णा चला जाता है तृप्त तो हो जाता है और शक्ति प्राप्त तो होता है दूसरों को बताने के लिए इसके बारे में हुँ? तो इस तरह बताते हैं कि हमें परम दृष्टवा ऊंचा आस्वादन मिलने से हम नीचे के काम क्रोध इत्यादि को छोड़ देंगे हम हु? बाद में देख लीजिए फ्लो चार्ट आप देखिए हाँ? बाकी लोग कैसे छह वेगों के पीछे पड़े दिखाया गया है वाचो वेगम <coughs> कुछ गप्पा मारना क्रोध वेगम मनस वेगम जिह्वा वेगम बधर वेगम प्रश्न सब दिखाया गया है पिक्चर में इधर तो इन वेगों से ऊपर उठना चाहिए इंसान को भक्ति मार्ग जैसे ज्ञानी योगी भक्त सब प्रयत्न करते हैं लेकिन भक्त बहुत आसानी से कर लेते हैं उसको और भौतिक इच्छाएँ इसका मूल कारण है इधर श्री स्वामी बताते हैं न केवलम काम क्रोध वेगम संहरणमात्रेण मोक्ष प्राप्त नौती अपितु यो अंतर थी ये बताते हैं कि सिर्फ ऐसे काम क्रोध के वेग को जीतने से मोक्ष नहीं प्राप्त होता बोलते हैं एक व्यक्ति को और कुछ करना होता है क्या है भगवान के संपर्क से वो दिव्य आनंद जो प्राप्त होता है उसको भी प्राप्त करना उसके बाद ही मोक्ष प्राप्त होगा इसलिए ज्ञानियों को भी अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान की कृपा से ही उनको मोक्ष दिया जाता है इधर देखे पिक्चर में चतुष्कुमार वो लोग विष्णु के दर्शन को प्राप्त करके उनके विष्णु भक्त बन गए वो भी ज्ञानी थे पहले अब सुखदेव गोस्वामी भी ज्ञानी थे इतने परम ज्ञानी थे कि स्त्रियां नहा रही थी उनकी ओर मुड़कर देखा भी नहीं उन्होंने स्त्रियों ने बोला कि ये पहुंचा हुआ ज्ञानी है ये पुरुष स्त्री के बीच में फर्क नहीं देखता है ऐसे व्यक्ति जंगल में जाकर लकड़हारों से भगवान कृष्ण की गुणगान सुनकर वापिस लौट आकर अपने ही पिताजी वेद व्यास के सत्र में बैठकर भागवत सुने और परम महान भक्त बने उसके बाद शुद्ध भक्त बनकर बाद में वो परीक्षित को उन्होंने भागवत दिया जैसे आप देख रहे हैं इस तरह अनेक ज्ञानी लोग शुद्ध भक्त बने भगवान के इस तरह भगवान के संपर्क में आए बिना मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकता सिर्फ क्रोध काम को नियंत्रण करने से इसलिए ऐसे मुक्तात्मा का लक्षण क्या है उसका अनुभव है वो कहीं भी शांति से बैठकर भगवान के सेवा में लग सकता है जैसे इधर रूप गोस्वामी लिख रहे हैं भगवान के गुणगान श्री प्रोपा जी प्रचार कर रहे हैं हमेशा ये लोग सुखी भी हैं शांत भी हैं ऐसे बताते हैं उनके तृप्ति इंद्रियत विषयों में नहीं है सिर्फ सिर्फ भगवान के संपर्क में है ऐसे बताते हैं क्षीण कलम चिन्ह भगवत प्राप्ति कर लिया है नहीं तो या तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त किया है नहीं तो भगवान को प्राप्त किया है जिनके सब पाप कर्म मिट चुके हैं क्षीण कलमशा चिन्ह द्वैदा वो द्वंद्व से ऊपर उठ गए हैं सुकमा शीत उष्ण इत्यादि से और मन को नियंत्रित कर लिया जाता है सर्वभूत ही तेरता वो ही सब जीवों को बलाई कर सकते हैं ऐसे बताते हैं सबसे बड़ा बलाई जीवन के लिए कृष्ण भवन को फैलाना तो वही बताते हैं इधर हु। तो इधर इधर देखेंगे आप उसका योग्यता क्या है वो द्वंद्वों से ऊपर है मन नियंत्रित है वो सब तरह के पापों से मुक्त होकर वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त किया है वो उसका योग्यता है और इस दुनिया में वो सबके लिए भलाई कैसे कर सकता है क्योंकि वो जानता है कि शारीरिक व्यवस्थाएं किया जाए जैसे अस्पताल ले स्कूल को ले हा? इस तरह की चीजें करे लोगों को वो तो शारीरिक लाभ देता है शरीर मिटने वाली चीज़ है आत्मा की कल्याण करना चाहिए ये जानता है इसलिए आत्मा के लिए कल्याण करता है जैसे इस दुनिया में देखते हैं कोई पैसा वाला है कोई गरीब है हाँ? कोई आ, मजबूत है शरीर कोई पंग आ, लंगड़ा है कोई खूबसूरत है कोई बदसूरत है हाँ? किसी का तबीयत अच्छा है किसी का तबीयत बिगड़ गया है ये सब पुण्य पाप कर्म के अनुसार होते हैं हाँ? जब तक पुण्य पाप होता है दुनिया में बार बार हम जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं लेकिन ये ऋषि जो होते हैं वो क्षीण कल्पा का मतलब पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ गए हैं वो वो भी जानते हैं कि सब जीवों को पुण्य कर्म करने से लाभ नहीं क्योंकि वो स्वर्ग जाकर दुनिया इधर आते हैं पाप करके नरक जाकर इधर आते हैं वापस लेकिन जो पुण्य पाप दोनों को काट कर भगवत सुकृति भगवान की भक्ति सुकृति कटित कर दिया वो ही लोग धाम जाते हैं ये सब जानने वाले होते हैं जो जो असली ऋषि जो शुभ चिंतक जीवों के इसलिए हम लोग भौतिक बुखार को नहीं बढ़ाना चाहिए इस दुनिया में इसके बदले भौतिक बुकार को कम भौतिक ही बुकार का मतलब है मटेरियलिज्म भौतिकवाद हैं जैसे इधर दिखाया गया है आगे दिखाया जाएगा इधर डॉक्टर ने बोला एक सास को बोला कि आपका नाइन्टी डिग्री फॉरन है आपके नौकरानी का हंड्रेड एंड फोर ऐसे बोला वो सास जो थी वो चिल्लाने लगी वो क्या बोल रही है वो 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 बोल रही थी मेरे नौकरानी को एक सौ चार बोला आपने और मुझे नाइन्टी एट बोल रहे हैं ऐसे कैसे बोलते हैं डॉक्टर को भगाओ इधर से ऐसे चलाए उनको मालूम नहीं था कि ज़्यादा बुखार होने से ज़्यादा तकलीफ इस तरह आप देखते हैं आजकल के दुनिया में कितने पोल्यूशन देने वाले इंडस्ट्रीज हैं लोग बड़े बड़े गाड़ी खरीदते हैं शराब पीते हैं इधर उधर एरोप्लेन में घूमते हैं हमेशा स्मार्टफोन के साथ हैं किसी भी गंदे चीज़ का आते हैं जानवरों को काट कर खाते का हैं इस तरह के भौतिकतावाद को जितना इंसान बढ़ाता है भगवान को भूल जाता है उतना वो इस दुनिया के बुखार बढ़ जाता है उसको यादि आत्मा की व्याधि और बढ़ जाएगा उसका इसलिए हम लोग इस तरह के क्रियाओं में ना फंस कर भगवत भक्ति में लगना चाहिए इधर देखिए प्रभु जी बोलते हैं कि हम आधुनिक सुविधाओं को छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं प्रभु जी बोलते हैं मैं भी डिक्टाफोन इस्तेमाल करता हूँ भगवान की गुणगान करने के लिए मैं भी एरोप्लेन में जाता हूँ इधर उधर प्रचार काम के लिए हम सब चीज़ों को भगवान की सेवा में जोड़ना है हमें छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं मायावादी लोग ज्ञान लोग चले जाते हैं हिमालय में हम लोग नहीं जाते हम लोग शहर के बीच में रहकर सब चीज़ों को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं ऐसे प्रपंच बताते हैं और बताते हैं कि ये मार्ग जो है सब जीवों के लिए मंगल प्रदान करने वाले मार्ग है जैसे इधर पिक्चर में दिखाया गया चैतन महाप्रभु जारीकंड के जंगल में हिरण और बाघ और हाथी सबको नचाया उन्होंने हरिनाम करके इस तरह हरे कृष्ण मंत्र गाकर जब चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को पूछा सब जीवों का उद्धार कैसे होगा हरिदास ठाकुर ने बोले जब हम नाम उच्चारण करते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं मच्छर होते हैं जो कुत्ते होते हैं बिल्ली होते हैं सब उनको भी लाभ हो जाता है ऐसे बोला उन्होंने और उनका भी उद्धार होता है उनको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है हरिणाम से वो उनका भी उद्धार होता है इस तरह ये सबके लिए भलाय करने वाली चीज है हमारे भक्त कभी आलस्य नहीं रहते हैं हमेशा हरिणाम इस तरह लेते रहते हैं ये सबसे बहुत बड़ा शुभ कार्य है सब जीवों के लिए अगर ये एक इंसान ये एक मिनट के लिए भी सुन लेगा उसको बहुत भलाई होगा उसको ऐसे बताते हैं प्रभा जी हाँ। कोई बोलेंगे अरे किसी ने तोड़ा पाँ, थोड़ा पाप थोड़ा पाप किया तो मिट जाएगा प्रभु बताते हैं थोड़ा पाप हो बड़ा पाप हो सब चीज़ों को मिटाने की क्षमता शा, हरिणाम में है ऐसे एक श्लोक भी है नाम नो ही यावती शक्ति पापम हरे तावत कर तुम नशकोती पातक पात, पात की नर बड़े बड़े पात की लोग जैसे रत्नाकर बना वाल्मीकि बना मृगारी भी बड़ा भक्त बना ऐसे अनेक लोग हरिणाम करके उच्च कोटि के पदवी को प्राप्त किया है जी पूछते हैं कि आप लोग अस्पताल खोलते हो मनुष्य के लिए अभी जानवर को भी अनेक व्यादियां होता है उसके लिए क्या करते हो अभी टाइगर जंगल में उसको आप भलाई कर पाओगे ऐसे पूछते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि जी आप लोग मनुष्य के लिए अच्छा अस्पताल बने तो लेकिन गोमांस खाते हो है? इसका मतलब क्या है आपके ही भाइयों को आप मार रहे हो इसलिए आप हरिणाम में जुड़ो किसी भी जीव को आप तकलीफ नहीं दोगे ऐसे प्रभ बताते हैं उनके प्रवचन में इसलिए सब शारीरिक योगदान देना वो पूरा नहीं है वो अधूरा है ऐसे बताते हैं काम क्रोधो काम क्रोध विमुक्ता यती यतचेतसा अभी तो ब्रह्म निर्माण वर्तते विदितात्म नाम बताते हैं कि परमात्मा और परमात्मा की प्राप्ति नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो काम क्रोध के वेग से मुक्त होकर मन को नियंत्रित करके आत्मा को साक्षात्कार किया है उस व्यक्ति को प्रभा जी बोलते हैं इधर पूरा प्रबंध के प्रवचन से न्याय दिया हूँ इधर तो जी बताया अगर कोई आपको बुलाता है कि तुम कुत्ता हो तुम छोटे हो ऐसा बोलेगा हा? तो हमें परवाह करने की जरूरत नहीं क्योंकि आत्मा क्षण है आत्मा नहीं, आत्मा नहीं शाश्वत है अजर है अमर है लेकिन बहुत छोटा है एक क्षुद्र है क्षूद्र अगर बाल अगर शतभ आगे से बताया गया अगर बाल के टुकड़े को आप लेंगे उसका एक दस हजार गुना करेंगे उतना ही है हा? आत्मा इसलिए अगर आपको कोई बोलेगा कि आप छोटे हो हम छोटे ही हम बोल सकते हैं ऐसे बोलते हैं जी तो इधर रहुगुण का दिखा गया है कि राहुगुण राजा निंदा करने के बाद भी जड़ भरत को निंदा का अनुभव नहीं हुआ क्योंकि आत्मा साक्षात्कार पुरुष थे वो इस तरह एक हाथी देखता है कि चिंटी एकदम छोटा है लेकिन चिंटी के शरीर में भी आत्मा ऐसे ही हाथी के समय भी उसी साइज का आत्मा है <laughs> इसलिए हम बड़े भी नहीं छोटे नहीं हैं हम किसी की निंदा को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए इसके बदले हमें नम्र बनना चाहिए सनातन गोस्वामी जैसे और पेड़ जैसे सहिष्णु होना चाहिए प्रभाजी बताते हैं तो इस तरह असली जीवन हमारा आध्यात्मिक दुनिया में है जिस तरह मैं आप लोगों को देख रहा हूँ इसी तरह हम भगवान को देख सकते हैं इस तरह प्रभपज बताते हैं कि उस जीवन को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया के इन वेगों को द्वंद्वों से ऊपर उठो ऐसे बोलते हैं तो अफ्लोचर आप लोग देख लीजिए तो हम इस तरह के दुनिया के मन के मन के विविध तरह से यातना देता है मन उसको जीतना चाहिए मन को चित्त को शुद्ध करके हरिणाम के द्वारा उसके साथ मैत्री जोड़कर हरिणाम के द्वारा मन के साथ मैत्री हम जोड़े और उन बंधुओं से ऊपर उठे और लास्ट में बताते हैं इधर भगवान के श्री चरणों की आशय जिसने लिया है वही लोग मन को जीत पाएंगे वही बताते हैं तो मैं दिया, तो दिया है तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिए पॉइंट दिया है इधर शिल्पात की